अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक क्लब पीके। आज मैं आया हुआ हूँ न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी पे। यहाँ पे इनके पास कुछ चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स आए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और आज इनमें से एक का आपको मैं रिव्यू दूंगा जो कि सुपर स्टार डिलक्स 125। शेप वाइज सेम टू सेम ये सीजी डिलक्स 125 जैसा है जो कि आप सीबी 125 है। बाकी इसका आपको मैं साउंड टेस्ट कराऊँगा, इसके आपको मैं वॉक अराउंड दूंगा, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और इसके फीचर्स वगैरह बताऊँगा और प्राइस बताऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीटर में देखें तो मीटर में आपको एक साइड पे मीटर, एक साइड पे आरपीएम मिल रहा है, जिसमें आपको फ्यूल गेज भी मिलती है। उसके अलावा आपको इसमें ट्रिप मीटर मिलता है, न्यूट्रल इंडिकेशन, इंडिकेटर के इंडिकेशन और हाई बीम मिलती है, उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। असेंबलीज़ में राइट तरफ कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट तरफ की बात करें तो ऑटो इंडिकेटर और पार्किंग और हेडलाइट ऑन ऑफ और हॉर्न आपको मिलता है एज़ यूजुअल। और उसके अलावा अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक का साइज़ और शेप सेम टू सेम सीजी डिलक्स वाली है, जो कि मेरे ख्याल से 12-13 लीटर की होती थी। और एवरेज की बात करें तो एवरेज भी वही है, सीट वैसी ही है जैसे डिलक्स की थी, लेकिन उससे थोड़ी हार्ड है। उसके अलावा हम अगर बात करें बैक शेप की तो बैक लाइट ज़रा सी इसकी कर्व है, इंडिकेटर्स भी ज़रा चेंज है, जैसे धूम 70 वाला इनका एक वो है, लुक सी है, वैसे शेप वही है सीजी डिलक्स वाली। बैक पर आपको ड्रम ब्रेक मिलती है और साइलेंसर वगैरह वही है। बैक पे मड गार्ड भी आपको प्लास्टिक का मिलता है, एडजस्टेबल शॉक्स हैं इसके जो कि काफ़ी अच्छी बात है, शेप वही है, साइज़ भी वही है। बैक पे आपको 90x90 का टायर मिलता है 18 इंचज़ के स्पोक रिम्स के साथ, बैक मड गार्ड प्लास्टिक का है, वही रिफ्लेक्टर भी ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें, इंजन में वही मिलता है 125cc है, टॉप स्पीड इसकी 140 शो की हुई है, 120 तक बाइक उम्मीद है जाएगा। उसके अलावा फ्रंट लुक की आपको अगर मैं बताऊँ, फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, बाकी आप लाइट देख लें वही क्रिस्टल लाइट सीजी डिलक्स वाली, जिसमें पार्किंग बल्ब भी है और एक नॉर्मल बल्ब है, जिसकी ब्राइटनेस लाइट के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। फ्रंट पे आपको वही वाइजर मिलता है सेम टू सेम, फ्रंट सस्पेंशन भी वही है टेलीस्कोपिक फॉक्स। फ्रंट पे मड गार्ड की बात करें, हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड है। उसके अलावा हॉर्न वगैरह सिंपल वाला ही है। इसके अलावा इंजन की अगर फिनिशिंग की बात करें, इंजन की फिनिशिंग भी अच्छी है एज अ चाइनीज़ ब्रांड, और फ्रंट पर आपको वही क्या कहते हैं ड्रम ब्रेक मिलेगी, जो कि इसका एक वो है डाउन साइड है, डिस्क होती तो अच्छा होता। रिफ्लेक्टर भी वही आपको फ्रंट पे मिलते हैं। अब चलते हैं इसके साउंड की तरफ, अब करवाते हैं जी आपको इसका साउंड टेस्ट। ये देखिए गाइस, जैसा कि आपने इसका साउंड सुना है, साउंड मुझे भी काफ़ी पसंद आया है, सेम डिलक्स जैसा ही है। तो अब इसकी प्राइस की बात करें तो 1,05,000 इसकी प्राइस है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और एक और इसकी डाउन साइड आपको मैं बता दूं कि इसके 4 गियर हैं, 5 होने चाहिए थे। बिल्ड क्वालिटी भी बाइक की ठीक है, मेरा तो काफ़ी अच्छा दिल आया इस पर, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है शौकीन अफराद के लिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।